So what do you know about trade blocks? Trade blocks के बारे में जो हम पढ़े थे उसके what are trade blocks? Now what we understand is that trade blocks are created. Trade blocks का जो purpose होता है वो होता है कि इससे free trade encourage होता है. Trade blocks encourage, they create free trade. Basically, whenever a trade block is formed, तो जिन member countries के बीच में trade block form किया जाता है, these member countries abolish all trade barriers. सही? So member countries abolish all trade barriers, and that of course creates free trade. Now the next question right now is that अच्छा अगर ऐसा हो तो रहा है लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. हमने जनरल एडवांटेज इसके देखे थे कि फ्री ट्रेड इनकरेज हो रही है, उसके एडवांटेजेस आ रहे हैं और डेवलपमेंट स्पीड अप हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट मिल रही है, कैपिटल फ्लो करता है. अगर ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट है तो लेबर मोबिलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. और उसके अंदर एक और एस्पेक्ट था, एक और एडवांटेज था, दैट वाज ट्रेड क्रिएशन. नाउ ट्रेड क्रिएशन की जो लॉजिक थी, आई विल फर्स्ट डिस्कस दैट एंड देन वी विल डू ट्रेड डाइवर्जन. ट्रेड क्रिएशन इस बात से पे बेस्ड है, मैं पहले एक जनरल केस बना लूं. दिस इज द प्राइस क्वांटिटी, द डिमांड एंड दिस द सप्लाई ऑफ कंट्री ए. सही है? ये सप्लाई ऑफ कंट्री ए है बिकॉज हम कंट्री ए को लोकल सप्लाई कंसिडर करते हैं. कंट्री ए क्या है? लोकल सप्लाई है. हम कंट्री ए के परस्पेक्टिव से बात करें तो कंट्री ए की सप्लाई क्या होगी? लोकल सप्लाई होगी. फिर हम एक और कंट्री कंसिडर करते हैं यहाँ पर, कंट्री बी. कंट्री बी से जितना आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा प्राइस पी बी पर आ रहा है, एंड दैट मींस इसकी सप्लाई जो एस बी है ये इंपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम पी. ये कंट्री बी से इंपोर्ट किया जा रहा है. जाहिर है ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्फ्यू है बिकॉज कंट्री बी से जब आप इम्पोर्ट करेंगे देन whatever you will purchase you will get at the same price. So that means the entire range of output, hum jitne bhi units b se purchase karenge, all of them will be purchased at price pb. That makes it perfectly elastic. Now main starting point leta hu ki country a ne country b ki trade ko pe restrictions lagayi thi. Country b ki jo trade hai usko kam kiya hua tha. Aur kaise kiya hua tha? By let's say applying a tariff. Abhi tak ye trade block nahi bana hua. कंट्री ए ने फॉर एग्जाम्पल कंट्री बी के ऊपर टैरिफ लगा दिया इतना. सही है? दिस इज द अमाउंट ऑफ टैरिफ एंड आई एम सेइंग ये टैरिफ है इक्वल टू टी. सो नाउ द सप्लाई फ्रॉम बी इज एस डैश पी. दिस इज द सप्लाई कर्व आफ्टर टैरिफ विद टैरिफ ऑफ कोर्स एंड द प्राइस इज पी बी प्लस टैरिफ. सही है? अगर पहले ये फॉर एग्जाम्पल 50 का सेल करता था तो हमने उसके ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल 10 का टैरिफ लगाया हुआ है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ये 60 का सेल करा. Now, इसका मतलब ये कि जो ओरिजिनल मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ वो एक ऐसा टाइम है जब इन दोनों का ट्रेड ब्लॉक नहीं है और इन दोनों कंट्रीज के आपस में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो सकती हैं और कंट्री ए ने कंट्री बी की ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बाय एप्लीकेशन ऑफ अ टैरिफ. इस टैरिफ की एप्लीकेशन के साथ हमें क्या नजर आ रहा है? एट प्राइस पी बी प्लस टैक्स जो टोटल कंजम्पशन हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है. लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस आउटपुट टी. OT जो हमारे पास है या T1 अगर कह दें, OT1 जो हमारे पास है, this is the total consumption at this price. But at this price, जो local output है, जो local producer supply कर सकता है, I'm calling this L1. So जो total consumption है, वो है T1 की, जिसमें से जो local producer है, वो L1 supply कर रहा है, and that means इसके बीच में जो gap है, वो है जो import हो रहा है, M1 is being imported. ठीक है? So initially जहां मैं कह रहा हूँ, there is no integration, कोई ट्रेड इंटीग्रेशन को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है एंड दैट मींस ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस है. सो प्राइस क्या चार्ज की जाएगी? जो प्राइस आ रही है वो पी बी प्लस टी होगी. प्राइस होगी पी बी प्लस टी. ये बात हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ऐसे सिनारियों में इंपोर्टेड गुड्स तो सॉरी पी बी प्लस टी की आ रही होगी, लोकल प्रोड्यूसर को भी अपनी प्राइस पी बी प्लस टी चार्ज करनी पड़ेगी. अदरवाइज बिकॉज क्वालिटी डिफरेंस तो है नहीं, तो जाहिर है कंज्यूमर कि सामने अगर लोकल प्रोड्यूसर पीई पे सेल करेगा तो उससे कोई खरीदेगा नहीं. तो लोकल प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? लोकल प्रोड्यूसर को अपनी प्राइस पीई से गिरा कर पीबी प्लस टैक्स पे ले जानी पड़ेगी, अदरवाइज उससे कोई परचेज नहीं करेगा. अच्छा, सो प्राइस हो गई पीबी प्लस टैक्स. सही, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली 60 की, और इसके ऊपर जो टोटल कंजम्पशन है वो है OT1 की, जिसमें से लोकल आउटपुट है L1 का एंड इंपोर्ट्स कितनी हो रही हैं? इंपोर्ट्स फ्रॉम बी हमारे पास हो रही हैं T1 माइनस L1.
T1 minus L1 की imports हो रही है, right? अब ये तो original एक situation है, यहाँ से तो हमने start किया. अब क्या होता है that let's say A and B form a block. A और B economic integration करते हैं and they form a trade block and that means all tariffs are abolished. So the tariff जो A ने B पे लगाया हुआ था is abolished. ये tariff जो है ये अब खत्म हो जाएगा. और ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो गुड B से A में आ रही होंगी वो B plus T पे नहीं आ रही होंगी बल्कि वो आ रही होंगी PB. So, अब जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको अपनी प्राइस कहां पे ले जानी पड़ेगी, PB पे ले जानी पड़ेगी. सो बाय डूइंग दिस बाय दिस एप्लीकेशन इससे क्या हुआ, द टैरिफ इज अबॉलिश्ड एंड द प्राइस नाउ विल फॉल फ्रॉम PB plus T टू प्राइस P. सो नाउ द प्राइस आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के बाद है वो प्राइस चार्ज की जाएगी इक्वल टू पीबी. ए को भी यही प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी, एक ही प्रोड्यूसर को, लोकल प्रोड्यूसर को, सारे इंपोर्टेड टू गुड्स आई प्राइस करेगी. इससे क्या हुआ, एट दिस प्राइस पीबी जो टोटल कंजम्पशन है, द टोटल कंजम्पशन विल बी इक्वल टू टी टू. इसमें से लोकल आउटपुट कितना है, लोकल आउटपुट हमारे पास है पीबी के ऊपर एल टू. सही है. सो इन दोनों को कंपेयर करके हमें क्या नजर आ रहा है, दैट जो इंपोर्ट्स अब हो रही होंगी, इंपोर्ट्स फ्रॉम बी, ए में जो बी से इंपोर्ट हो रही होगी होगी टी टू माइनस एल टू. सही है. सो इस टैरिफ को अबॉलिश करने से, टैरिफ को एलिमिनेट करने से हुआ ये कि हमारी टोटल कंजम्पशन इंक्रीज हुई है और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो जो लोकल आउटपुट है वो कम हुआ. सही है. एंड बाय डूइंग दिस जो टोटल इंपोर्ट्स हैं इस कंट्री की वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम M1 टू M2. And we call this trade creation because trade create हुई है. पहले जो हमारे पास trade हो रही थी अब उससे ज्यादा trade हो रही है, trade create हो रही है. हमें पहले जितनी import करते रहे अब हम उससे ज्यादा import करेंगे. As I said, this is trade creation. Now how is this, the question right now, the next question now is this beneficial for the society or not? We are saying that it is a benefit of trade creation. Right? Trade creation is a benefit of creating a trade block. Why is that? अगर मैं overall evaluate करता हूँ कि ऐसा करने से social impact क्या है, सही है? Now before you formed trade block बनने से पहले जो consumer surplus था वो कितना था? Consumer surplus कैसे निकलता है? Consumer surplus निकालने के लिए हम start करते हैं हमेशा पहले consumer कितने quantity consume करता है? T1. और इस T1 के लिए consumer क्या price pay कर रहा था? PB plus tax. इसका मतलब पहले consumer surplus था ये वाला, सही है? डिमांड कर्व से नीचे और फॉर द क्वांटिटी दैट ही इज कंज्यूमिंग प्राइस जो पे कर रहा है उससे ऊपर जो बेनिफिट. लेकिन अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, अब जब हम कंज्यूमर सरप्लस देखते हैं तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, क्वांटिटी T2 कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर ये कंज्यूम कर रहा है और इसके लिए वो प्राइस पे कर रहा है PB. एंड दैट मीन्स अब जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ दैट विल बी बिलो डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस. सो अब जो कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज दिस एंटायर region. अब ये पूरा consumer surplus हो, सही है? अगर simplify करके बताऊं तो I can say that इस पूरे process के अंदर there is an increase of consumer surplus. अगर मैं इस area को A कह रहा हूँ, trapezium को, this is B, this is C and this is D for example, सही है? So in this case we can identify that there is, यानी अगर मैं overall consider करता हूँ, so what I can say is that the rise in consumer surplus is equal to A, B, C and D. But at the same time, producer का कुछ नुकसान हुआ है. Producer का कितना नुकसान हुआ है? अगर मैं producer surplus compare करता हूँ, तो पहले producer L1 sell करता था price PB plus tax पे, तो पहले था producer surplus ये. लेकिन अब producer surplus कितना है? वो L2 sell कर रहा है और price PB charge कर रहा है, so अब producer surplus ये वाला हिस्सा. So the fall in producer surplus naturally becomes the fall in producer surplus becomes the area. ये प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस, सही? एंड दैट मींस अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस के गेन में से प्रोड्यूसर सरप्लस के लॉस को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना डिफरेंस रह जाएगा, बी सी और डी का नेट गेन आ रहा है. बट दैट्स नॉट इनफ. अभी रुको, एक और बात रहती है. बात ये रहती है दैट व्हाट इज द फॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू. पहले जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ था तो उस टाइम पे हो ये रहा था कि ये जो M1 यूनिट्स है इन M1 यूनिट्स के लिए प्रोड्यूसर को हर पॉइंट के ऊपर इतना टैक्स मिल रहा था, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई. एंड दैट शोज दैट ये जो एरिया सी है
That is the tax revenue. Ye wo tax revenue hai jo government ko milta tha. So there is a fall in government revenue which is equal to the area C. Sahi hai, government revenue ka fall ho gaya C ka. Agar main overall impact on the society nikalta hun of this entire action. So we can say, still say there is a net gain of society equal to the area B plus the area D. Ye society ka net gain. और नेट गेन क्यों है? बिकॉज देखो गेन और लॉसेस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ. व्हाट वी कैन सी इज के कंज्यूमर का गेन हुआ ए बी सी डी का बाय अबॉलिशिंग दिस टैरिफ, लेकिन उसमें से प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉल आया ए का, गवर्नमेंट रेवेन्यू का फॉल आया सी का. सो देयर इज स्टिल अ गेन ऑफ बी प्लस डी. व्हाई इज देयर अ गेन ऑफ बी प्लस डी? बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम, एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो सबसे क्रूशल है, दैट दिस इज मूवमेंट फ्रॉम, दिस इज मूवमेंट फ्रॉम कंपेरेटिव disadvantage to comparative advantage. We're moving away from comparative disadvantage and we are moving towards comparative advantage, which means that there will be efficiency. इससे क्या हो रहा है? Efficiency आ रही है. सही है. हो ये रहा है कि ये जो area B हमारे पास था, ये area B basically extra cost थी. L1, L2 units को अगर trade से B से purchase किया जाता without any restriction, तो हमें ये price PB पर मिलता. लेकिन हमने क्या किया हुआ था? Tariff लगा के इसकी price increase की थी. And because of that, ये जो units हैं, वो हम locally produce कर रहे हैं. और इन यूनिट्स को लोकली प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी? द एरिया अंडर द सप्लाई का. सो दिस बेसिकली मींस इज कि अगर L1 L2 यूनिट्स को लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा, देन द कॉस्ट विल बी द एरिया अंडर द सप्लाई का. लेकिन यही अगर इनको इंपोर्ट किया जाता है, तो वो हमें रिसीव होते हैं इस प्राइस के ऊपर. सो द एरिया बी वॉज ऑलवेज एन एडिशनल कॉस्ट दैट वी वर बेयरिंग सिंपली बिकॉज वी वर चूजिंग टू प्रोड्यूस समथिंग दैट वी डिड नॉट हैव एन एडवांटेज इन. जब हमें एडवांटेज नहीं, हम फिर भी उसे प्रोड्यूस करेंगे, देन वी गेट we need to bear a higher cost, which is the comparative disadvantage. While the area D basically is gain for consumers. Because when price kam karenge, then producers are able to consume more and also at lower price. So D extra consumer surplus created. So overall, हम देख सकते हैं that trade block बनने से you move from comparative disadvantage, जो कि आपने free trade eliminate करके लगाया हुआ था, to comparative advantage, जो कि इस free trade को encourage करने से आपको achieve हुआ. And that's why trade creation is a gain. Is this clear? Yes or no? So trade creation becomes an advantage of trade. कि trade creation जब हो रही है तो हमें comparative advantage का फायदा हो रहा है, सही है? Next we have trade diversion. And trade diversion जो है वो trade का नुकसान, सही है? Trade block बनाने का नुकसान. Trade diversion. Now as the name suggests, diversion का मतलब क्या है? You're moving from one to the other. Divert कर रहे हो, moving from one to the next. उसको diversion कहते हैं. ट्रेड डाइवर्जन क्यों होती है? मैं इसके लिए पहले एक स्टैंडर्ड केस डेवलप कर रहा हूं. दैट फॉर एग्जांपल, डिमांड एंड सप्लाई, राइट? दिस इज प्राइस क्वांटिटी, दिस इज सप्लाई ऑफ कंट्री ए एंड दिस इज डिमांड इन कंट्री ए. मैं कंट्री ए के पर्सपेक्टिव से फिर बात कर रहा हूं. इसका मतलब अगर फ्री ट्रेड हो तो कंट्री ए जो है ना वो ऑपरेट करेगा. अगर सॉरी ट्रेड ना हो तो कंट्री ए ऑपरेट करेगा विद प्राइस पी ए. ये तो एक रेफरेंस है कि अगर ट्रेड नहीं होती तो कंट्री ए कंज्यूम करता पी ए को, सही है? पी ए वो प्राइस है जिसके ऊपर कंट्री ए ऑपरेट करता, सही है? अब यहां में दो कंट्रीज हैं जिससे कंट्री ए ट्रेड कर सकता है. एक है कंट्री बी, और कंट्री बी सेल कर रही है एट दिस प्राइस, सही है? दिस इज सप्लाई ऑफ कंट्री बी, सही? और साथ में मैं एक और सप्लाई कर्व बना रहा हूं. दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ कंट्री सी. कंट्री बी सेल कर रहा है प्राइस पी बी पर, और कंट्री सी सेल कर रहा है प्राइस पी सी पर, सही? विच कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दिस को? विच कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज? इस डेटा को देख के हमें क्या नजर आता है? दैट कंट्री बी has comparative advantage, सही है? We can see कि इन तीनों countries में सबसे cheap जो produce कर रहा है वो country B, तो country B has comparative advantage. And based on this, A should purchase from P. और ऐसा ही हो रहा होगा जाहिर,
सही अगर ये सिनारियोज हैं पी ए पी बी और पी सी अगर ये सिनारियो है और फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करती है तो कंट्री ए किससे परचेज करेगा कंट्री ए कंट्री बी से परचेज करेगा एंड इन दीज सर्कमस्टांसिस वी कैन सी दैट वी आर ऑपरेटिंग विद कंपैरेटिव एडवांटेज एंड दिस अगेन शोज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूमर का गेन हो रहा है वो सारे बेनिफिट जो फ्री ट्रेड करने पड़े हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहे हैं लेकिन अब हम क्या करते हैं लेट्स से ए एंड बी फॉर्म अ ट्रेड A and C form a trade block. Generally, ऐसे time पर जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि A C के साथ क्यों trade block बना रहा है जबकि उसको B से trade करने में ज्यादा फायदा है. देखो this is one particular good जिसकी हम बात करें A का C के साथ trade block बनाने में और बहुत सारे factors हो सकते हैं political हो सकते हैं बाकी goods से related हो सकते हैं maybe they have a geographical advantage with doing this case. For example, Pakistan forms a trade block with India rather than forming it with, for example, Bangladesh, maybe because of geographical advantage over there. It can be anything, right? So there are multiple reasons which can motivate country A to form a trade block with country B, country C rather than country B. Because it's a good comparative advantage. Hai. Maybe C is going to gain another place. So A or C form a trade block. And this trade block form karne se kya hoga? Abolish, there is no trade barriers, there are no trade barriers between A and C, number one. और दूसरी बात ये मैं यहां पर customs union वाली बात बना रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए वैसे हम ऐसा कर सकते थे कि दोनों पर पहले टैरिफ लगाते और फिर दोनों में से एक का टैरिफ कम कर देते हम ऐसा भी कर सकते थे कि इनिशियली हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं मैं सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ कि इनिशियली कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है बिल्कुल भी कोई ट्रेड बैरियर नहीं है और बाद में हमने क्या कर दिया कि इनिशियली हाँ कोई हमने ट्रेड ब्लॉक बना के ए और सी के बीच में बैरियर तो नहीं लगाया बट यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन बी सही है यानी मैं खुद से सिंप्लीफाइड एक वर्जन ले रहा हूँ जिसमें हम देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में तो कोई ट्रेड बैरियर नहीं है लेकिन ये कस्टम्स यूनियन फॉर एग्जांपल बनी हुई है या इकोनॉमिक यूनियन बनी हुई है जिसमें एक एक्सटर्नल टैरिफ लगा हुआ है बी के ऊपर हमने बी पर एक एक्स्ट्रा टैरिफ उठा के लगा दिया बिकॉज ट्रेड ब्लॉक में नहीं सही है ऐसा करने से क्या हुआ कि जो बी की सप्लाई कर्व है आफ्टर दैट टैरिफ जो बी की सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट करेगी लेट्स से हमने बी के ऊपर टैरिफ टी लगाया है एंड दैट मीन्स जो बी की सप्लाई कर्व है दैट गोज फ्रॉम एस बी टू एस डैश बी विद प्राइस पी बी प्लस टैक्स सही है इससे क्या हुआ कि अब किससे परचेज किया जाएगा अब हम बी से परचेज नहीं करेंगे अब हम सी से परचेज करेंगे बिकॉज आफ्टर टैरिफ बी की प्राइस ज्यादा है और सी की प्राइस हमें रिलेटिवली कम नजर आ रही है कंपेयर करते हैं अगर आउटपुट को तो पहले क्या था पहले हमारे पास प्राइस पी बी के ऊपर क्वान्टिटी क्यू टी ये थी I'm calling this T1 और जो लोकल आउटपुट था वो था L1 का लेकिन जब आप C के साथ ट्रेड करेंगे तो अब जो आपके पास प्राइस होगी वो PC होगी जिसके ऊपर जो टोटल ट्रेड कंजम्पशन हो रही होगी टोटल कंजम्पशन हो रही होगी T1 से फॉल करके हो जाती है T2 while जो लोकल कंजम्पशन आउटपुट है वो इंक्रीज L1 से L2 हो जाता है सो बाय डूइंग दिस वी कैन सी कि L1 से L2 लोकल आउटपुट बढ़ा है और T1 से T2 टोटल कंजम्पशन फॉल गई व्हाई डू वी कॉल इट ट्रेड डाइवर्जन बिकॉज वो ट्रेड जो हम बी से कर रहे थे अब वो ट्रेड बी के ऊपर हमने टैरिफ लगा के उसको ऊपर ले गए उसकी प्राइस बढ़ा दी अब ये ट्रेड डाइवर्ट हो गई फ्रॉम बी टू सी हमने सी पे डाइवर्ट और उसकी वजह क्या थी कि हमने सी से ब्लॉक बनाया सो हम ये कह सकते हैं आफ्टर ट्रेड ब्लॉक सही है और जब मैं ट्रेड ब्लॉक की बात कर रहा हूं इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जब मीट हो गई देन ए ट्रेड्स विद सी रादर देन बी इस गुड के लिए अब वो सी से ट्रेड करेगा अब वो बी से ट्रेड नहीं करेगा सही है एंड दैट मींस प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी बी टू पी सी और ऐसा करने से अगर मैं वैसे ही दोबारा लेता हूं दिस इज ए बी सी डी सो इनिशियली हमें क्या पता है कि जो कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली एग्जिस्ट करता था दैट वाज क्वांटिटी टी प्राइस पी बी प्लस टी पहले कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करता था ये पूरा सही है अब कंज्यूमर जब प्राइस पी सी उसे मिल रही है तो कंज्यूमर टी टू के ऊपर प्राइस पी सी चार्ज कर रहा है और इसका मतलब अब कंज्यूमर सरप्लस से सही है एंड दैट शोज दैट इस फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक से देयर इज फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू ए बी
CND. सही है, लोकल प्रोड्यूसर का गेन हुआ है यहाँ पर कि वो पहले L1 सेल करता था प्राइस PV, पहले उसका ये कंज्यूमर सरप्लस था, अब वो L2 सेल कर रहा है और प्राइस PC चार्ज कर रहा है, सो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस पहले से इंक्रीज हुआ है. सही है, सो वी कैन सी दैट देयर इज अ गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, इन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द एरिया ए, प्रोड्यूसर सरप्लस बाय द एरिया ए इंक्रीज हुआ, बट स्टिल देयर इज नेट लॉस ऑफ सोसाइटी. That is equal to the area B plus C plus D. We could have done it this way. कि पहले दोनों पे टैरिफ लगाते और फिर उनमें से एक का टैरिफ कम करते हैं और दूसरे का नहीं करते, तब भी आपको इसी तरह की सिचुएशन मिलती. जाहिर है फिर नेट लॉस ऑफ द सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आ रहा होता है. मैं यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू पहले से अज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि पहले मैंने टैक्स ही लगा रहा. दिस डायग्राम बेसिकली शोज अस दैट वी आर मूविंग फ्रॉम कंपेरेटिव एडवांटेज जो बी के पास था टू कंपेरेटिव disadvantage, because C is producing at comparative disadvantage, B is producing at comparative advantage. जब हम B से move करके C के ऊपर चले जाते हैं, that basically means that हमारा जो trade advantage है वो पहले से कम हो गया है, हमारा जो living standard होगा, हमारा जो gain to consumer or producer consumer है वो पहले से कम हो जाएगा. सही है, so trade diversion is a disadvantage of formation of trade blocks, while trade creation is an advantage of doing that. सही है, is this clear? Yes or no? So trade creation is an advantage, trade diversion is a disadvantage. और हमने advantage तो खैर पहले दूसरे कर भी लिए थे. जो उसके और hazards हैं trade block के वो ये है कि local firms suffer करती हैं, बाहर से अब आपके पास free trade आना शुरू हो जाता है. बेशक member countries से आ रहा है लेकिन free trade आ रहा है, local firms तो suffer करेंगी, infra industry suffer करेंगे, excessive imports से local output गिरने से unemployment भी create हो सकती है. इसका एक और नुकसान ये है कि बाहर से जब लेबर आएगा तो वो कम्पीट करेगा आपके लोकल लेबर से. सही है, इफ एनी ऑफ यू वाज फॉलोइंग ब्रेक्सिट, जब ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, यू वुड हैव नोटिस दैट सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट था, सबसे बड़ा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट दैट दे वर पुटिंग फॉरवर्ड, और फैक्टर्स भी थे, बट दिस वॉज वन मेजर आर्ग्यूमेंट दैट दे सेड दैट पीपल फ्रॉम पोलैंड और पीपल फ्रॉम पोर्चुगल आर कमिंग टू ब्रिटेन बिकॉज ऑफ ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट and they're stealing our jobs. सही है, सो लोकल लेबर सफर कर रहा है यहाँ पर. इस प्रिंसिपल का ये मतलब है, इस आर्ग्यूमेंट का ये मतलब है कि हमारा लेबर सफर कर रहा है बिकॉज जो जॉब्स हैं उनके ऊपर ये बाहर से लोग आकर. और देखो अब फर्क क्या आ रहा है, अगर कोई पोलैंड से फॉर एग्जाम्पल यूके जाता है काम करने के लिए, जबकि लेट्स से पोलैंड के अंदर जो मिनिमम वेज है वो कम है, वहां पे ओवरऑल जो है ना वो जो वेज रेट्स हैं वो कम है, और वो यूके आके अगर काम करता है और वहां पर मिनिमम वेज ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा. अच्छा, यूके में अगर मिनिमम वेज ज्यादा है, वेजेस एंड प्राइसेस दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर वेज ज्यादा है देन वी इज अ पॉसिबिलिटी की प्राइस भी ज्यादा होगी. सो ये जो पोलिश है ये कमा रहा है यूके के अंदर लेकिन खर्च कर रहा है पोलैंड के अंदर जाके, तो उसको वहां पर एडवांटेज मिल सकता है. सही है, वो पाउंड्स में कमा रहा है, यूरोस में खर्च कर रहा है, तो उसको एडवांटेज भी मिल सकता है. सो लेबर जो लोकल है वो दे क्लेम दैट वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलनी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटीज अब किसी और को मिल रही है, एंड दैट्स व्हाई दे फील दैट दे आर लोकल लेबर को नुकसान होगा. इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी जिससे लोकल प्रोड्यूसर लोकल कंज्यूमर सफर करेगा. देखो जब आप फ्री ट्रेड एनकरेज करते हो तो जहां हाई प्राइस मिलती है वहां पे गुड्स ट्रैवल करना शुरू कर जाती है, एंड दैट मींस कि लोकल कंज्यूमर का नुकसान है कि या तो वो अब हाई प्राइस पे करके परचेज करे या फिर उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड नहीं होगी. Because free trade will take all of that money, drain it to in areas which all of those goods are then drained to the areas with higher prices. सही है? फिर countries की आपस में dependency create हो जाती है. जैसे एक example है कि इसका common policies और dependency की बात है that जब मैंने economic union की बात की थी या जब मैंने monetary union की बात की थी, so basically when you form a monetary union, you lose your ability to form an independent monetary policy. अब आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लगा सकते, वजह यह है बिकॉज यू वर्किंग यू डीलिंग विद अ कॉमन करेंसी, और इस तरह की कॉमन करेंसी के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि अगर एक कंट्री फॉर एग्जांपल इफ पोर्चुगल डिसाइड्स टू सप्लाई मोर मनी इन यूरोपियन यूनियन, इफ पोर्चुगल डिसाइड्स दैट वी वांट टू अप्लाई एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं, अभी क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा रिलीज करते हैं, बट देन दैट मनी इज यूरो. सही है, वो यूरो है, और वो जब यूरो मार्केट में लैंड करेगा तो वो सिर्फ पोर्चुगल के अंदर नहीं रहेगा, वो फिर पूरे यूरोप के अंदर रहेगा. ऑन द अदर हैंड इफ लेट्स से जर्मनी इज अप्लाइंग अ टाइट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी,
सही है, अब हमारी सप्लाई कम करना चाह रहा है, इट्स नॉट एबल टू डू दैट, एंड दैट्स बिकॉज़ देयर इज मनी कमिंग फ्रॉम पोर्टुगल टू जर्मनी. ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट है, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर है, एंड देन सो द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट टू इंप्लीमेंट एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन अप अगर आप इस तरह ट्रेड ब्लॉक बनाते. अगर आपसे जनरली डिस्कस किया जाए दैट अ ट्रेड ब्लॉक्स क्या बनाना फ्री ट्रेड इनकरेज कर रहा है, तो एक तरफ आप कहेंगे बिल्कुल फ्री ट्रेड इनकरेज कर रहा है, जाहिर है आप जितने ट्रेड ब्लॉक बनाते रहेंगे फ्री ट्रेड इनकरेज होती रहेगी. बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो आर्ग्यू दैट विद इन द ब्लॉक तो इनकरेज होगी, लेकिन आउटसाइड द ब्लॉक तो एक्चुअली डिस्करेज होगी. यू डिलिबरेटली अप्लाइंग एक्सटर्नल टैरिफ्स. सो ट्रेड ब्लॉक लगाना क्या फ्री ट्रेड को इनकरेज कर रहा है? सो वी कैन कंक्लूड दैट विद इन द ब्लॉक कर रहा है, आउटसाइड द ब्लॉक एक्चुअली फ्री ट्रेड डिस्करेज होगी. सही है, इज दिस क्लियर? यस और नो?